जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, निंदा नहीं चाहिए कोई। 14 फरवरी को देश में हुए आतंकी हमले के विरोध में बीती रात वायुसेना के जवानों ने जैश ए मोहम्मद के 3 ठिकानों में हमला बोलकर भारी संख्या में आतंकवादियों को ख़त्म करने का काम किया है और देश के जवानों का बदला लिया है, जिससे आज पूरे देश में खुशी की लहर है। यहां तक कि आज फतेहपुर में मुस्लिम युवाओं ने जिस तरह से आतंकवादियों को वायुसेना ने खत्म करने का काम किया है, उसकी खुशी मनाते हुए मिठाई बाटी और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारेबाजी की। आज इसी पर हम जनता के बीच पहुंचकर उनसे प्रक्रिया जानेंगे, क्या कहेंगे जनता, उनसे राय लेंगे और जानेंगे कि ऐसे आतंकवादियों को किस तरह से ख़त्म किया जाए। हमारी वायुसेना ने बहुत अच्छा काम किया। 14 तारीख से 25 तारीख 26 तारीख तक 13वीं का दिन आता है। 13वीं के दिन हमारे सैनिकों की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी और वायुसेना ने घर में घुस के उनको मारा। 3-4 हज़ार सर चाहिए और मोदी जी के साथ हैं हम लोग और पूरा देश उनके साथ है और जितना बड़ा आक्रमण करना पड़े उसके साथ सब हम लोग। नहीं, हमारी नज़र से भाई साहब ये बहुत अच्छा काम हुआ। सेना को जो जवाब दिया है इन लोगों को, जो इससे मतलब जो है हमारे सेना के जवानों को हौसला बढ़ेगा और भारत में भी मतलब एक नई शक्ति का जो है वो होगा। मतलब इस तरह के जवाब इनको देना ज़रूरी था क्योंकि जो है ये बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब आगे बढ़ाए बात मतलब जैसे जानते थे कि हमारे ऊपर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हो रही और इससे देश को मतलब एक नई शक्ति और एक नया प्रधानमंत्री का जो हौसला जो उन्होंने दिया सेना को, उसको मैं बधाई देता हूँ और बहुत अच्छा हुआ कि जो है मतलब ऐसा होना चाहिए था। मेरी नज़र जिस तरह बदला लिया क्या है, ये शहीदों के लिए इतना काफ़ी है कि और भी लोगों की आतंकी ख़त्म करना चाहिए? नहीं, और भी आतंकियों का अगर इसी तरह से हमला करते रहें तो इनको जो है हम तो कहते हैं बिल्कुल इसको ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि जो है बार बार इस तरीके से करने से जो है देश के ऊपर भी और मतलब जो है जवानों का भी बहुत लॉस हो रहा है और मतलब जो है क्या कहते हैं कि मतलब सेना के लिए मतलब बहुत अच्छी बात है, उनको जो है बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म कर देना चाहिए कि जो है जो इस तरह से आतंक फैलाए हुए हैं देश में। बहुत ही सराहनीय है, इसकी जितनी भी हम लोग सराहना करें और इसे अच्छा कहें वही काफ़ी है। हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही अच्छा काम हुआ है। आतंकवादी को जो हमारे अभी वीर शहीद हुए हैं उनको बहुत अच्छी, उनके परिवारों के लिए बहुत अच्छी एक सौगात मिली है। लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा हटके हम बोलेंगे इसलिए क्योंकि जो जैश मोहम्मद हैं तो उन्हीं के खिलाफ ये कार्रवाई है वहाँ से, और अन्य लोगों की उसमें नहीं है, आतंकवादी के खिलाफ ही है। आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई की, पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं नहीं, क्योंकि आतंकवाद ही हमारा मेन है और उनके ही लिए यहाँ पर जो भी अभी हुआ है वो उन्होंने ही किया है। इस तरह की कार्रवाई और भी आगे सेना द्वारा की जानी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसे हमले ये बार बार करेंगे हमारी सेना पे तो निश्चित है कि इसी तरह वो भी इसके पात्र होंगे और उनके परिवार को ये पुरस्कृत भी किए जाएंगे। देश की वायुसेना ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले का जिस तरीके से बदला लिया है वो कैसे, किस हद तक आप देखते हो उसको? निसंदेह जो आज सुबह 3:30 बजे पुलवामा हमले के जिम्मेदार जैश मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को वायुसेना ने जिस तरह नेस्तनाबूद करके जो सराहनीय कदम उठाया है वो देश के लिए, देश के फ्यूचर के लिए और जो शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि इसी तरह मनाई जा सकती थी, उन्होंने वायुसेना ने उस कार्रवाई को अंजाम दिया और हम देशवासियों की हमेशा ये दुआ रहेगी, यही उम्मीदें रहेंगी कि वायुसेना इसी तरह अपने हमारे देश की सेना वायुसेना के साथ मिलकर सारी जल सेना थल सेना वायुसेना और प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों को लेके और आतंकियों को इसी तरह नेस्तनाबूद करती रहेगी जो देश को एक अच्छे भविष्य के लिए और ले जाएगी। जो NOC पे आतंकी को ख़त्म किया गया है, ये जो कार्रवाई की गई है ये बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है। इससे जो है आतंकवादियों के दिलों में जो है हिंदुस्तान को जो
ख़त्म करने की, जो आर्मियों को जो है शहीद करने का जो उनका मकसद था, वो जो अगर उन्होंने आगे और कुछ प्लान बनाया होगा तो उससे जो है उनका वो मकसद, वो अपने दिल में, उनके दिल में खौफ आ गया। और जो कार्रवाई की गई है, जो है हिंदुस्तान की सरकार से जो कार्रवाई की गई है, आगे अगर इसी तरह चलता रहा तो जो 44 जवान जो शहीद हुए हैं, आगे चल के ये नौबत नहीं आएगी। देश के लिए जवानों की सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में जो हमला के वायुसेना ने आक्रमण किया, ये शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। और इसी तरह मैं कहूँगा कि जो भी शहीद जवान शहीद हुए उनको अभी और भी चाहिए, अभी बदला पूरा नहीं हुआ। देखिए, मैं इसको पुलवामा हमले का बदला तो कतई नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी कि वहाँ पर तमाम सुसाइडल स्क्वाड्स तैयार किए जा रहे हैं और जो भारत में आके दोबारा इसी तरीके की हरकतें करेंगे आके, इसलिए वहाँ पर उन आतंकवादियों के टेररिस्ट कैंप्स थे उनको नेस्तनाबूद करने के लिए किया गया है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भारत में ही अटैक करने वाले थे और वहाँ पर ट्रेनिंग चल रही थी। पुलवामा हमले का बदला इसीलिए मैं नहीं मानता हूँ, और ये बहुत निहायत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि जहाँ जहाँ पर ये टेररिस्ट कैंप थे उनको ही टारगेट किया गया है। बिल्कुल सही है, इसी तरह से जो है हिंदुस्तान की सरकार को जो है हमारे जो देश के जवान हैं उनको छूट देना चाहिए, ताकि कि जिस तरीके से जो जवानों को बेदर्दी से मारा गया है, जो बेदर्दी से जिनको शहीद किया गया है, कल को जो आतंकवादी संगठन है उनके दिल में ये खौफ रहेगा कि अगर हम हिंदुस्तान के सैनिक पर हमला करेंगे तो जवाब देने वाले हिंदुस्तान में और भी लोग हैं, अगर हम हिंदुस्तान के जवानों पर हमला करेंगे तो अगर हम एक को मारेंगे तो हमारे 10 मारे जाएंगे। इसी तरह कार्रवाई आगे भी चलनी चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। अगर इसी तरह से सरकार छूट देती रही तो आतंकवादी संगठन ख़त्म होने में कोई देर नहीं है। जो हमारे पुलवामा में आतंकवादियों ने जो हमारे सैनिकों को मारा था, उसका हमारे सैनिकों ने बहुत अच्छी नीति से और उससे बदला लिया है, और हम इस हमले से बहुत प्रसन्न हैं। जो भी सैनिकों ने हमारे जो डिसीजन लेके जैसे जिस तरीके से आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम चालू किया है, मैं तो कहता हूँ एक एक आतंकवादी अड्डे को और आतंकवादियों को इसी तरह दिन प्रतिदिन एक एक हमारे 44 और 46 सैनिकों के बदले में रोज डेली अब 40 और 46 आतंकवादी मारे जाएं और सारे ठिकानों को इसी तरह ध्वस्त कर दिया जाए, इससे हम बहुत प्रसन्न और हम इसके बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं हमारे सैनिक, और इसी तरीके से उनका हम सब पूरा भारतवर्ष उनके साथ है, और वो इसी तरीके से आतंकवादियों से बराबर हमला करें और उनसे इसी तरीके से पूरा बदला लेकर और पूरे आतंकवाद को पूरा ध्वस्त करें। नहीं देखिए, इसमें टारगेट्स जब किया जाता है तो ये देखा जाता है कि कितने एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जिनको ख़त्म करना है, ऐसे कौन से लोग हैं जो देश के लिए खतरा बन सकते हैं, समाज के लिए खतरा बन सकते हैं, इसलिए वहाँ पर कैंप्स काउंट किए जाते हैं, नंबर्स ऑफ टेररिस्ट काउंट नहीं किए जाते। नहीं, जब हम लोग जब ऐसी कोई एक्टिविटीज़ होती है तो वहाँ पर टोटल सिविलियन को सेव किया जाता है और वो टारगेट्स देखे जाते हैं जहाँ पर सिविलियन का हस्तक्षेप ना हो। बहुत ज़रूरी कार्रवाई, बहुत ही सही, बहुत ही मुफीद कार्रवाई की गई है, और इससे सिर्फ न भारत बल्कि तमाम जगह, यहाँ तक कि पाकिस्तान पर भी जो ये अटैक करते हैं उससे भी उनको काफ़ी निजात मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट के अगेंस्ट कार्रवाई की गई है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।